वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मीर दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितम् रसवतीं वाणीं श्रमवतीं क्रियां च समाचर्य सफलतां प्रति सक्तमानसेभ्यः दर्शकेभ्यः इयमहमलता समादरं प्रणामं प्रस्तौमि। व्यवहारकालेन अधीतं सुदृढं कुर्वन्तः वीक्षकाः अयमहं गवीश द्विवेदी अपि इह कार्यक्रमे सनमः भवतां स्वागतं करोमि। गवीश स्मरति वा ज्ञानख्यापकं श्लोकमिमं ज्ञानं तु द्विविधं प्रोक्तं शाब्दिकं प्रथमं स्मृतं अनुभवाख्यं द्वितीयं तु ज्ञानं तद्दुर्लभं नृप इति। आम् स्मरामि। अत्र शाब्दिकं अनुभवाख्यं चेति द्विविधात्मकं ज्ञानं प्रोक्तमस्ति। समीचीनम्। अत्र अनुभवाख्यं ज्ञानं अधीतविद्यानुगुणं व्यवहारेण एव आयाति। बहु सम्यक्। चतुर्भिः प्रकारैः अधीतविद्या फलवती भवतीति शास्त्राणामेव अस्ति मन्तव्यम्। अस्तु, अधुना अद्यतनं सुभाषितमपि न केवलं शास्त्रस्मरणं प्रत्युत शास्त्रतत्त्वज्ञानद्वारा आचारशोधनमेव ख्यापयति। यो हि वेदे च शास्त्रे च ग्रन्थधारणतत्परः न च ग्रन्थार्थतत्त्वज्ञ जो वेदों और शास्त्रों को स्मरण रखने में तत्पर है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, नहीं वैसा आचरण करता है, तो उसका वेदों या शास्त्रों को केवल स्मरण रखना व्यर्थ ही है। One who is ready to remember the Vedas and scriptures but does not understand their true essence nor acts accordingly, for him memorizing the Vedas or scriptures is useless. Samyak subhashitam jnanasya mahatta tadanugunam prayogena uta vyavaharenaiva asti iti savishesham svikaroti subhashitam. Sarvatha samuchitam. दर्शकाः ज्ञानं समर्ज्य समाजः अपि तथैव व्यवहरति इत्येव स्पष्टयन्ति प्रतिसप्ताहं प्रसार्यमाणाः प्रवाहिवार्ताः अपि। शृण्वन्तु तावत् साप्ताहिकीः प्रवाहिवार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मूवर्या ऐषमः रक्षालङ्करण समारोहस्य प्रथमचरणे अदम्य साहस वीरतायै 36 वीरता पुरस्कारान् प्रदत्तवती। एतेषु 10 कीर्तिचक्र पुरस्काराः 26 शौर्यचक्र पुरस्काराः समाहिताः सन्ति। समारोहावधौ उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ अनेके गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनुक्रमं तृतीयवारं प्रधानमन्त्री पद सम्भालनात् परं मन की बात इति कार्यक्रमस्य 11th अंके देशवासिनः सम्बोधितवान्। अत्र आकाशवाणीतः संस्कृतवार्ता प्रसारणस्य 50 वर्षपूर्तये आकाशवाणी परिवाराय साधुवाद वचांसि तेन व्यक्तानि। 17 वर्षाणाम् अनन्तरं अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् परिषदः 20-20 विश्वचषक प्रतियोगितायां विजयश्रियम् अवाप्य भारतं प्रत्यागतं क्रिकेट् वृन्दं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीयावासे सम्मिल्य तेभ्यः भद्रप्रदर्शनाय शुभकामनाः वर्धापनानि च प्रदत्तवान्। ततः पूर्वं भारतं समागतस्य क्रिकेट् दलस्य दिल्ल्यां मुम्बई महानगरे च भव्यं स्वागतमपि समाचरितं गतम्। 18th लोकसभायाः 10-दिनात्मकं प्रथमसत्रस्य समापनं सञ्जातम्। अत्रान्तरे नवनिर्वाचिताः सदस्याः पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। तावत् 22 सांसदाः संस्कृतभाषायां पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतवन्तः। हाथरस सत्संग दुर्घटनायाः मुख्यः आरोपी देवप्रकाश मधुकरः उत्तरप्रदेशारक्षिबलेन निगडितः। 21-शत जनानां मृत्योः अनन्तरं सत्संग शिविरात् पलायितः आसीत् मधुकरः। तावत् प्रशासनेन घटनायाः न्यायिकान्वेषणार्थं 3-सदस्यात्मिका समितिः संघटिता अस्ति। प्रावृट् सत्रस्य समारम्भेण सममेव देशस्य अनेकेषु स्थलेषु वृष्टिः जायमाना अस्ति। तत्रैव कतिपय राज्येषु प्रचण्ड वृष्टिपातेन गंभीरां स्थितिं दृष्ट्वा ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तसञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। ब्रिटेन देशे आयोजिते सामान्य निर्वाचने जयं प्राप्तस्य लेबर पार्टी इति दलस्य कीर स्टार्मर इत्येषः ब्रिटेन देशस्य प्रशासनं सम्भालितवान्। तावत् नवः प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्येषः ब्रिटेन देशस्य पुनर्निर्माण संकल्पं संधार्य स्वीय मन्त्रिमण्डले शीर्षदलस्य घोषणां कृतवान्। समीक्षकाः, प्रवाहि वार्तासु श्रुतमेव भवद्भिः यत् लोकहित साधने रतस्य
संसदः नूतन सत्रं सद्यः एव समाप्तं गतम्। आम्, यत्र नवनिर्वाचितैः सांसदैः नैजं नूतनं दायित्वं संभालयितुं भारतीय संस्कृतेः संरक्षणपराणि प्रतिज्ञावचनानि अपि स्वीकृतानि। तत्र देशसंस्कृति संरक्षणार्थं शपथवचन स्वीकृतिकाले अनेकैः सांसदैः भारतीय संस्कृति संवाहिका संस्कृतभाषा समाश्रिता। अद्भुतम्। तर्हि आयान्तु कार्यक्रमस्य अग्रिमे वृत्तविशेषे एतस्मिन् प्रभागे अविलम्बं जानीमः के च ते कथं च ते सांसदाः भारतीय संस्कृतेः समुज्जीविकायां संस्कृतभाषायां शपथं स्वीकृतवन्तः। संस्कृतध्वनिः सर्वत्र गुञ्जितः स्यात् इति भवति समेषामपि संस्कृतभाषाप्रेमिणां प्रयासः। परिणामतः संस्कृतं सर्वत्र, संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतभारतं समर्थभारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम् इत्येते उद्घोषध्वनयः अस्माभिः बहुधा श्रूयन्ते समाजे। समाजः अर्थात् लोकः, लोके च राजते लोकतन्त्रम्। तत्रापि भारतीय लोकतन्त्रस्य मन्दिरत्वेन प्रसिद्धस्य संसद् भवनस्य हि का कथा। अत्रापि प्रत्येक पञ्चवर्षाणाम् अनन्तरं संस्कृत शपथ रूपः संस्कृतध्वनिः अस्माभिः श्रूयते एव। नूतने संसद् भवने अष्टादश्यां लोकसभायां तु एतस्मिन् पर्याये संस्कृतभाषया शपथ स्वीकर्तारः द्वाविंशति संख्याकाः सांसदाः सन्ति। अहं श्रीपाद यशो नाइक। अहम दुर्गादास उइके। अहम प्रताप चंद्र षडंगी। अहम बांसुरी स्वराज। अहम दिलीप होइकिया। अहम कृष्ण प्रसाद तेनेटिहा। अहम सतपाल ब्रह्मचारी। अहम गजेंद्र उमराव सिंह पटेल। अहम डॉक्टर हेमांग योगेश भाई जोशी। अहम जनार्दन मिश्रिया। अहम डॉक्टर लता नंदकिशोर वानखड़े। अहम महेंद्र सिंह सोलंकी। अहम डॉक्टर महेश शर्मा। अहम मन्नालाल रावत। अहम डॉक्टर राजेश मिश्रा। अहम रोडमल नागर। अहम स्वामी सच्चिदानंद हर साक्षी महाराजा। अहम संध्या राय। अहम विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी। अहम देवसे चौहान। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल। अहम चिंतामणि महाराज। भारतीय भाषाः प्रति, विशिष्य संस्कृत भाषां प्रति संसदि अनुरागम अवलोक्य भाषा प्रेमिषु उत्साहः अस्ति। संस्कृत जगत् अनेन गौरवान्वितम् अस्ति। लोकसभायाः निर्वाचनात् परं बहवः सांसदाः शपथग्रहणं संस्कृतेन कृतवन्तः इति अयम् अत्यन्तं प्रमोदस्य, आनन्दस्य, गौरवस्य विषयः जातः अस्माकं देशे। विशिष्य संस्कृतछात्राः, संस्कृत अभिमानिनः, संस्कृत अनुरागिणः, संस्कृतप्रेमिणः सर्वेपि अनया वार्तया अतीव आनन्दिताः सन्ति। संस्कृतशपथपरः एषः क्रमः पुरातनः सन् अपि नित्यनूतनताम् आधत्ते। न केवलं लोकसभायाम् अपि तु विधानसभासु अपि नेतारः शपथवचनस्वीकरणाय संस्कृतम् आश्रयन्ते। पुरा न्यूजीलैंड देशे अपि भारतीयमूलस्य डॉक्टर गौरव शर्मा तत्र सांसदत्वेन शपथग्रहणाय संस्कृतं चितवान् आसीत्। अहं गौरव शर्मा सत्यनिष्ठतया, शुद्धाकरणेन, वास्तविकतया च घोषयामि। एवं प्रकारेण नेतारः संस्कृतभाषया प्रतिज्ञावचनं स्वीकृत्य भारतीय ज्ञानपरम्परायाः प्रमुखाम् एतां भाषां चिन्वन्ति इति अस्ति नः गौरवविषयः। गवीषद्विवेदिभिहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।
धन्या सनातन संस्कृति, धन्या संस्कृत भाषा, धन्या च ते सन्तु संस्कृत संस्कृति प्रशंसकाः। वीक्षकाः, वृत्तस्य अनन्तरम् अधुना क्रमः अस्ति त्रिज्या प्रभागस्य, यत्र केनचित् विशिष्टातिथिना सह संवादम् अत्र प्रदर्शयामः। वार्तावलीति कार्यक्रमस्य त्रिज्या प्रभागे इह विशिष्टातिथित्वेन संवादाय कः अस्ति समाहूतः इति पश्यामः, अथ जानीमः च संस्कृताधृतान् तदीय विचारान्। भूतपूर्वः न्यायमूर्तिः, अथ संस्कृताध्ययनाय स्वयं प्रेरणा प्रतिमूर्तिः, शबिहुल हसनैन शास्त्रीवर्यः अद्य अस्मत्समक्षम् उपस्थितः अस्ति। महोदय, स्वस्वागतं, नमस्करोमि भवन्तं। नमो नमः। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् न्यायमूर्तिपदवी समासीनः प्राक्तनः भवान्, अथ संस्कृताध्ययनक्षेत्रे शास्त्री इति उपाधिविभूषितः अपि, तर्हि नाम ज्ञातुकामः अहं यत् कथमिव संस्कृते भवान् सर्वप्रथमं जातः रुचिमान्। अहं किं वदामि, मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घीयते गिरिं, यत् कृपातं हं वन्दे परमानन्द माधवं। जब मैं जजशिप में था और एक ही दो साल हुए थे, तो मुझे विवेकानंद स्मारक पे कन्याकुमारी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। विवेकानंद स्मारक पे स्वामी जी के विषय में चिंतन करते समय मुझे अचानक ऐसा आभास हुआ कि यदि स्वामी जी को अंग्रेज़ी ना आती होती, एक भाषा ना आती होती जिस देश में वो गए थे, तो क्या भारतीय संस्कृति उस रूप में वहाँ पर स्वीकार्य हो पाती जिस प्रकार से स्वामी जी उसका प्रचार कर सके और विश्व में उनकी ख्याति फैली और भारतीयता आज तक वहाँ पर स्थापित है। तो उसके एक कारण में मुझे ये लगा कि भाषा जो अभिव्यक्ति का माध्यम है उसकी बड़ी भारी नितांत आवश्यकता है। सहसा मुझे अपने आप के ऊपर एक प्रश्न आया कि अंग्रेज़ी तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि भारत में रहते हुए अंग्रेज़ी जानते हुए भी मैं भारतीय संस्कृति नहीं जानता। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगा कि जो भाषा मुझको इस संस्कृति के अंदर तक ले जा सकती है मैं संस्कृत नहीं जानता। उसी समय मैंने ये निर्णय किया कि संस्कृत तो मुझे सीखनी है, अगर मुझे पूर्ण होना है, अगर मुझे भारत की संस्कृति जाननी है, अपने आप को जानना है, तो मुझे संस्कृत अवश्य ही पढ़नी पड़ेगी। तावत् अहं पश्यन् अस्मि वैवाहिकं निमन्त्रणपत्रम् इति वस्तुतः तस्य प्रारूपमात्रम् इदं, तत्र नाम एतस्य वैशिष्ट्यं किं वर्तते, तत्र कथमिव भवतः रुचिः जाता यत् अत्र एवं लेख्यं? ये मेरी भांजी की शादी का निमन्त्रणपत्रं है। भगिनीयाः। भगिनीयाः जी, अंग्रेजी में कहते हैं कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, आपको खुद कहीं पहल करनी पड़ती है। तो इसलिए हमारे परिवार ने मेरे कहने पर यह निर्णय किया कि इसका कार्ड हम लोग संस्कृत में छपवाएंगे। ये शुरू होता है जब भी कोई इस्लाम धर्म में अगर कोई भी आप अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते हैं, अथवा ओम, अथवा ओम मंगलाचरण। तो इसमें यह कहा जाता है कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बहुत ही रहमान और रहीम है। तो वहाँ पर यहाँ पर वही कहा गया, वंद्यस्य व्याहरण नाम प्रारभे परमात्मनः अपार करुणा पारावारिणस्य दयानिधे। अत्र मम प्रश्नः अस्ति यत् आधुनिकन्यायप्रणाली या अस्ति तत्र उपजीव्यत्वम् अस्ति प्राचीनधर्मशास्त्रादिन्यायग्रन्थानां, संस्कृतस्य ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां, तर्हि कियतीम् उपजीव्यतां ते सन्धारयन्ति स्वस्मिन्? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, पाराशरस्मृति, नारदस्मृति, इसके अंदर कानून के, लॉ के, विधि के ऐसे अनूठे नियम दिए हुए हैं कि जिनको पढ़ने के बाद मुझे एक बारगी अजीब सी अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे इन सबको मैंने कहीं पढ़ा है, और फिर मुझे एक बारगी पता चला कि यही सब तो लॉ में पढ़ रहा हूँ जिसको मैं आज इंडियन एविडेंस एक्ट करता हूँ समझता हूँ। इस सब के अंदर जो भाषा और जो नियम दिए हुए हैं वो सारे नियम लगभग स्मृतियों में अवेलेबल हैं, मिले हैं पहले से। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता भी होगी और बहुत आश्चर्य भी होगा कि
बाकायदा अंग्रेज़ों ने एक प्लान किया 1772 में। ऑफिशियली आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एन एक्ट ऑफ अ प्लान ऑफ 1772 बनाया गया। ये वॉरेन हेस्टिंग्स का पीरियड था, जस्टिस विलियम जोन्स का भी पीरियड था, और ये कोलब्रोक के पीरियड में भी ये चलता रहा। उन्होंने पैसे देकर, कुछ जो विद्वान थे उनको वो पंडित कहते थे, तो 11 पंडित्स का एक ऑर्डिनेंस ऑफ 11 पंडित्स बनवाया उन्होंने, और उनसे कहा कि जितना भी संस्कृत में शास्त्र है जो विधि से संबंधित है उसको इकट्ठा करिए, संग्रहित करिए, और एक अर्णव सेतु नाम हाँ वो उन्होंने दिया, इकट्ठा कराया। और फिर उसके बाद फिर अर्णव सेतु भंजन, उसको थोड़े दिनों के बाद एक उसका भी संग्रह हुआ और उसका ट्रांसलेशन उन्होंने कराया। H.B. हॉलहेड ने किया था उसको, और बहुत ही जल्दी 1778 तक इसका ट्रांसलेशन, सारे संग्रह का ट्रांसलेशन यूरोपीय भाषा में, विशेष रूप से रैप्से ने किया फ्रांस में और रॉबिनेट ने किया जर्मन में, और इंग्लिश का ट्रांसलेशन, ये सारा ट्रांसलेशन 1778 तक उपलब्ध हो गया था विलियम जोन्स को। और हमारे जितने भी एक्ट हैं आज जिसको हम लोग मान्यता देते हैं वो सब 1857 के बाद के हैं। बहुत सारे नियम जो हैं वो वही हैं जो मनुस्मृति में थे या याज्ञवल्क्य स्मृति में थे, और आज हमको रीपैकेज करके दे दिए गए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मत उन्मत्त आर्थ अध्यधीर बालेन स्थवीरेण व असंबद्ध कृतश्चैव व्यवहारों न सिद्ध्यति। अगर वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाएगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। कौन लोग नहीं कर सकते हैं, जो मत्त हैं, जो इंटॉक्सिकेटेड हैं, जो पागल हैं, जिनका धैर्य निकल गया है, जो अशक्त हैं, जो निर्णय लेने के लिए समर्थ नहीं हैं, बहुत ही बुढ़ा आदमी है जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या है, उससे प्रॉपर्टी लिखा लेना, करार करा लेना, या माइनर बच्चा है उससे कोई प्रॉपर्टी का करा लेना, तो इसकी सिक्योरिटी पहले भी मनुस्मृति में 3000 वर्षों पूर्व वही लॉ था जो आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख रहे हैं। तो ये हमारी ये महानता है हमारे ग्रंथों की और हमारे विद्वानों की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मनुस्मृति को इस रूप में देखते ही नहीं हैं, कभी पढ़ते ही नहीं हैं, उसको ध्यान नहीं देते कि हमारे और इस जो ब्रिटिश लॉज हैं उनको हम सख्त प्रणाम करते हैं और अपने ज्ञान को कहीं पीछे कर देते हैं। धर्म संप्रदायादि भावभरितम अथवा तत्प्रभावितम साहित्य भाषा प्रावीण्यम यद्भवति तदेव वस्तुतः तद्भावेनैव भरितं भवति। यथा कश्चन इस्लामधर्ममतावलम्बी अस्ति अथवा कश्चन सनातनधर्ममतावलम्बी तर्हि सः तस्मिन् धर्मविशेषे तस्मिन् भाषाविशेषे एव तत्सम्बद्धे भाषाविशेषे एव प्रवीणः सः भवितुम् अर्हति इति साधारणी तत्र धारणा अस्ति जनमनस्तु। परन्तु साधारणतः इदं मतं सम्यक् न अस्ति इति ये विज्ञाः सन्ति ते कथयन्ति, अत्र भवतां कः विचारः? देखिए आपसे मैं थोड़ा सा सहमत हूँ और पूर्णतः असहमत हूँ। सहमत इतना हूँ कि हाँ ऐसी प्रकार की भावना बन गई है, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास ये हमको बताता है, अगर थोड़ा सा हम उसको ध्यान दें दारा शिकोह के विषय में, दारा शिकोह एक राजपुत्र थे, बादशाह के बेटे थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही संस्कृत के प्रति जो उनका अनुराग था और प्रेम था, तो उन्होंने एक बहुत महान पुस्तक की भी रचना की है, मजमुल बहरैन, दो समुद्रों का संगम, यानी दो भाषाओं का मेल, तो उन्होंने उसके अंदर बहुत ही, आज भी वो पुस्तक मिलती है, चर्चित है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत जिन्होंने रचना की, हालांकि उसका उपजीव जो है वो संस्कृत में था और प्राकृत में था, प्राकृत भाषा से जो उसका उपजीव था, हाँ साहित्य था, उससे लेके उन्होंने पद्मावत की रचना की खड़ी बोली में। सबसे ज़्यादा तो अब्दुल रहीम खान खाना ने, उनका तो उनकी महानता का कोई अंत ही नहीं है कि संस्कृत के विद्वान, पर्शियन बचपन से सीखी हुई थी, फारसी और फलित ज्योतिष के भी विद्वान थे, और उन्होंने एक नई भाषा निकाली जिसमें एक ही श्लोक में संस्कृत भी है और पर्शियन भी है।
यथा हाइब्रिड संस्कृत, हाइब्रिड संस्कृत कह लीजिए आप, हाँ, उसकी किताब, उनकी पुस्तक जो है खेत कौटुकम, और उन्होंने मुसलमान होते हुए भी संस्कृत की मतलब वो ज्ञान प्राप्त किया कि जो मुझे लगता है कि कम लोगों के पास अवेलेबल होगा, ये मौजूद होगा। तो ये कहना कि सब लोग किसी एक धर्म से ही जुड़े होते हैं, मेरे ख्याल से ये भ्रांति है, और इस भ्रांति को ज्ञान ही तोड़ सकता है, बताया जाएगा तभी छोड़ सकता है। एतस्मिन्नेव काले यथा अत्र भवता उदाहरणमपि प्रदत्तं यत् रहीम खान खाना अथवा मलिक मोहम्मद जायसी इत्यादयः ये आसन् तेऽपि बहु किमपि लिखितवन्तः, तर्हि उदाहरणद्वयं वा किमपि तथा स्मरति भवान्, यतो हि संस्कृतपाठकः अपि संस्कृताध्येता स्वयम् अस्ति। एकस्मिन् दिवसावसान समये मैं गया था बाग में, अब एक श्लोक का एक चरणम जो है, द्वितीयम चरणम जी, काचित तत्र कुरंग बाल नयना गुल तोड़ती थी खड़ी, संस्कृते हिंदी में, हिंदी में, ताम दृष्टवा नव यौवनाम शशि मुखीम मैं मोह में जा पड़ा, नो जीवामी तोया बिना श्रुण प्रिय यार तू कैसे मिले। अब इसके अंदर रोमांच भी है, रोमांस भी है, ज्ञान भी है, और संस्कृत की भाषा भी है, उसी के साथ साथ उर्दू की भाषा भी है, या पर्शियन भाषा भी, जो भी बोलचाल की भाषा थी, तो इस बैरियर को तोड़ने के लिए कि केवल किसी एक वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, इसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, और इस तरह के और भी बहुत से, वो एक उदाहरण अगर आप कहें तो मैं आपको उसका भी दूं, जिसमें यदा माहताबो भवेन माल खाने मीरोख हो अथवा मुश्तरी बख्त खाने उतारे द्विलग्ने नरो बख्त पूर्णो भवे दीन दारो थवा बादशाह। जब इसका मैं अर्थ बता दूं आपको, जब चंद्रमा दूसरे भाव में, मंगल अथवा बृहस्पति नवें भाव में, और बुध लग्न में हो तो जातक भाग्यवान होता है, वो या तो राजा होता है या धार्मिक इंद्र निग्रही सन्यासी यति धर्म का पालन करने वाला होता है, दीनदारः इति। अस्तु, भवतां ये विशेषानुभवाः अत्र सन्ति, अत्र पुरस्कृताः भवद्भिः, तदर्थं मन्ये अस्मादृशाः ये जनाः सन्ति अथवा ये नूतनाः अस्मदीयाः दर्शकाः सन्ति अथवा अन्येपि ये दूरदर्शकाः सर्वे वस्तुतः उपकृताः भवेयुः अत्र भवताम् एवम् उद्बोधनं जातं, बहुशः धन्यवादाः। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतिः, जयतु भारतम्। वीक्षकाः, अद्यतने कार्यक्रमे अधुना अवसानवेला समायाता। संस्कृत संस्कृति ज्ञान संवलितस्य एतस्य कार्यक्रमस्य विषये भवतां प्रतिक्रियाः प्रतिसप्ताहं वयं प्रतीक्षामहे। अद्यतनः कार्यक्रमः कथमिव आसीत् इति अवश्यं सूचयन्तु। कार्यक्रमस्य विषये स्वीय विचारान् प्रेषयितुम् अधोलिखितं संकेतं संधारयितुं शक्नुवन्ति भवन्तः। आगामी सप्ताहे च पुनरागमनाय वार्तावली दलम् अनुज्ञापयन्तु। तावत् संस्कृतं समाचरन्तु, संस्कृतिं समाश्रयन्तु। नमो नमः। Thank you.
करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD News पर।